रंगों के त्योहार होली में लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। यूं तो होली मनाने का एक ही उद्देश्य है, लोगों को प्यार के रंग में रंगना, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में होली मनाने का अलग तरीका है। जैसे कि वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, जबकि बरसाने में लठमार होली का चलन है। आइए आपको विभिन्न प्रदेशों में होली मनाने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताते हैं। वृंदावन में फूलों की होली। वृंदावन में होली का त्योहार फूलों के साथ शुरू हो जाता है। एकादशी के दूसरे दिन से ही कृष्ण और राधा के सभी मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली में ढेर सारे फूल एकत्रित कर एक दूसरे पर फेंके जाते हैं, जिसके बीच आती राधे राधे की गूंज द्वापर युग की स्मृति दिलाती है। लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की होली की रौनक कुछ और ही होती है। इस दौरान बांके बिहारी जी की मूर्ति को मंदिर के बाहर रखा जाता है, मानो स्वयं श्री बांके बिहारी जी होली खेलने आए हों। यहाँ होली 7 दिनों तक चलती है। सबसे पहले फूल, उसके बाद गुलाल, सूखे रंगों व गीले रंगों से होली खेली जाती है। ब्रज के बरसाने गांव की लठमार होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये होली के कुछ दिन पहले खेली जाती है। यहाँ होली को कृष्ण और राधा के अनूठे प्रेम के साथ जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके दोस्त राधा और उनकी सखियों को तंग करते थे, जिस पर उन्हें मार पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर होली में मुख्य रूप से नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नंदगांव के थे जबकि राधा रानी बरसाने की। नंदगांव की टोली जब पिचकारियों के साथ बरसाने पहुंचती है तो ढोल की थाप पर बरसाने की महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। पुरुषों को इन लाठियों की मार से बचना होता है और महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। इस दौरान कई हजार लोग उन पर रंग फेंकते हैं। पंजाब का होला मोहल्ला। सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं इस मेले की परंपरा शुरू की थी। पंच प्यारे जुलूस का नेतृत्व करते हुए वे रंगों की बरसात करते हैं और निहंगों के अखाड़े नागी जलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। ये जुलूस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। हरियाणा की धुलेंडी। भारतीय संस्कृति में रिश्तों और कुदरत के बीच सामंजस्य का अनोखा मिश्रण हरियाणा की होली में देखने को मिलता है। हरियाणा में होली का एक अलग अंदाज धुलेंडी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हरियाणा की होली बरसाने की लठमार होली की ही तरह होती है, लेकिन बस उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ इस दिन भाभियों को अपने देवरों को पीटने की पूरी आजादी होती है। इसी का लाभ उठाते हुए भाभियाँ अपने देवरों से उनकी शरारतों का बदला लेती हैं। पूरे दिन की मार पिटाई के बाद शाम को देवर अपनी प्यारी भाभी को मनाते हुए उन्हें खुश करने के लिए उपहार देते हैं और भाभी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। बिहार की फाग पूर्णिमा। फागु का अर्थ लाल रंग और पूर्णिमा का अर्थ है पूरा चांद। बिहार में होली के मौके पर गाए जाने वाले फगुआ की अपनी गायन शैली की अलग पहचान है, इसलिए यहाँ की होली को फगुआ के नाम से भी जानते हैं। बिहार और उससे जुड़े उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे हिंदी नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ होली 3 दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन रात में होलिका दहन होता है। अगले दिन इससे निकली राख से होली खेली जाती है, जिसे धुलेठी कहते हैं, और तीसरा दिन रंगों का होता है। होली के दिन लोग ढोलक की धुन पर नृत्य करते हैं। लोग गीत गाते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हैं। राज्य के कुछ स्थानों में कीचड़ की होली खेली जाती है, जबकि कई जगह कपड़ा फाड़ होली की परंपरा है। राजस्थान की होली। राजस्थान प्रदेश में होली के अवसर पर तमाशे की परंपरा है। इसमें नुक्कड़ नाटक की शैली में मंच राजा के साथ कलाकार आते हैं और नृत्य और अभिनय से परिपूर्ण अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। तमाशे की कहानियाँ पौराणिक कथाओं और चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इन चरित्रों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यंग करती हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे देश का हर प्रांत बड़ी धूमधाम से मनाता है। अलग अलग प्रांतों में उनकी संस्कृति के अनुसार इसे रीति नीति से मनाया जाता है।
ये त्योहार हमें जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।